टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 एक नया अवसर आज हमारे सामने फिर से है। एक समय जब फॉर्म आया हुआ था, बहुत सारे लोग पूरे मनोयोग से तैयारी करना प्रारंभ किए थे। फॉर्म कैंसिल हुआ, एक नकारात्मक माहौल बना और बहुत सारे लोगों ने अपनी उस तैयारी को कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक कर दी। लेकिन फिर से आपके सामने नोटिफिकेशन अपडेटेड फॉर्म में है। संस्थान भी जिस जिम्मेदारियों को आपके साथ हमेशा से जिस जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है, उस जिम्मेदारियों के साथ उसने फिर से प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया। बहुत सारी डिमांड थी आपकी, बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों में जुड़ना चाहते थे। जो संस्थान की कैपेसिटी थी, संस्थान जितने विषयों को रन करा रहा था, उन सभी विषयों की डेमो कक्षाएं आपके सामने प्रेजेंट की गई। पिछले हफ्ते से आपने देखा था कि यह प्रक्रिया कंटिन्यूड हुई। उसमें मैथ का भी आपको एक सेशन मिला होगा, मैथ की डेमो कक्षाएं मिली। बहुत सारे लोग नए शामिल भी हुए हैं और अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले डेमो क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने वो पूरी रूपरेखा आपको बताई जो हम लोग पब्लिक क्लास के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। कैसे क्या इसकी उपयोगिता है, किस प्रकार से हम कोर्स को आपके सामने डिलीवर करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन अध्यापक इन कोर्सेस में आपके सामने लेक्चर्स आपके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं, कौन कौन अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, सारी जानकारी मैंने डिटेल्ड आपको प्रोवाइड की। मैंने उस दिन एक टॉपिक भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। आज का यह सेशन उसी टॉपिक के कंटिन्यूड फॉर्म में रहेगा, मतलब उसी टॉपिक के अगले सेशन को आप लोग यहाँ पर आज के लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को भी शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स होते हैं जो संस्थान की तरफ से हम लोग को प्रोवाइड करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह आपकी ही डिमांड पर होती है। आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रक्रिया में कैसे शामिल हुए, मेन धारा में कैसे हम लोग आएँ। इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहली चीज़, मैं संस्थान की तरफ से जारी उस व्हाट्सएप नंबर को आपको प्रोवाइड करूँगा, जिस व्हाट्सएप नंबर के मीडियम से आप संस्थान के इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा सीधा इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में स्टोर करना होगा। नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा, 8382955694। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एंट्री फॉर टीजीटी पीजीटी और जो आपका विषय है, जैसे आप मैथ विषय के लिए है तो मैथ यहाँ पर लिखिए और सीधा हमें आप एंट्री के लिए मैसेज कर दीजिए। संस्थान की जो प्रक्रिया है वो आपको तुरंत ही अपडेट हो जाएगी, तुरंत आपको पता चल जाएगी कैसे हम आपको जोड़ेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार का माध्यम होगा, हम आपको तुरंत ये सारी चीजें दे पाएंगे। फिर भी अगर मान लीजिए इस वर्चुअल मीडियम से आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो आपके पास ये कुछ कॉलिंग नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे फोन करके भी, संपर्क करके भी आप मुख्य धारा में आ सकते हैं। वो नंबर्स आपको कुछ यहाँ पर देखिए, सीधा जो आपको सीरीज के नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सीरीज में आपको कुछ नहीं, 9076605751, इसी के बाद 12345 लगाते चले जाइए, अंत तक के कुछ नंबर्स आपको दिए जाते हैं, जिस नंबर के माध्यम से आप अपनी विषय से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, प्रक्रिया की जो भी, मतलब आपको इंस्टीट्यूशन से आपको जितनी भी शिकायतें या जो आपकी डिमांड्स होती हैं उनसे संबंधित आप किसी भी तरह की कॉलिंग के लिए, किसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए आप फोन कर सकते हैं। चलिए, इन सब के बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक में सबसे पहले, जैसे अगर हमने पिछले लेक्चर्स की बात की तो हमने आपको एंगल कॉन्सेप्ट बताया था। एंगल कॉन्सेप्ट, मैंने कोण के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि कोण का अप्रोच क्या होता है, किस प्रकार से कोण की क्लासिफिकेशन या उनके टाइप्स को हम समझ पाते हैं। बेसिकली यह जो एंगल कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमिति का एक स्वरूप होता है। आपने देखा था कि एंगल को किस प्रकार से हम ट्रायंगल के अंदर से फेच करके निकाले हैं और उसी का एक्सप्लेनेशन हमने आपको प्रोवाइड किया है। इन्हीं एंगल कॉन्सेप्ट को हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था उसी दिन, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि यह जो प्रोसेस है, यह जो पैटर्न है, वो पूरी तरह से त्रिकोणमितीय सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसके मेन फीचर को समझें, इसके पहले हमें जानने की जरूरत होती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, मतलब त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखने की आवश्यकता होती है। तो कुछ बेसिक बातें जो कि जनरली आमतौर पर सबको पता होती है, जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं उनको सबको पता होती है, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है और हमको उन चीज़ों को आपके सामने डिलीवर करना पड़ता है, इसलिए हम उन बातों को आपके सामने फिर से शेयर करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। बात मैं करता हूँ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, कि त्रिकोणमिति का जो एक स्वरूप है, फीचर है, वो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले, यह एक जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एक तरह से मैथमेटिक्स की एक मुख्य ब्रांच है, मेन ब्रांच है आप इसको कह सकते हैं, यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक आपकी ट्राइगन और दूसरा आपका मीडियन। ट्राइगन इज कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, या जो त्रिभुज होता है, सॉरी जो आपके पास एक कह सकते हैं त्रिभुज ही है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, उसके ही अप्रोच को ही लेकर के उनके ही मीजरमेंट्स के ऊपर, अब मीट्रियान का अर्थ होता है मीजरमेंट, आप मीजरमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट सारी चीजों को पढ़ते हैं। अर्थात यह एक ऐसी मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी ट्राइंगल, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, के साइड्स
के साइड्स के एंगल्स के बीच एक स्पेशल प्रकार के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। बहुत पहले तो केवल इसका उपयोग त्रिभुज की भुजाओं को ही, अननोन भुजाओं को आप कह सकते हैं, मेजर करने के लिए, उनको फाइन करने के लिए ही किया जाता था। बाद में इसका उपयोग इतना साइंटिफिक हो गया कि आज की डेट में हम लोग विशेष प्रकार के वर्क, जैसे कि आप समझिए जितने भी साइंटिफिक विशेष प्रकार के वर्क, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गई, चाहे एयरक्राफ्ट कंट्रोल हो गया, या किसी भी प्रकार के जो बड़े हस्तर की चीजें होती है, जहां पर हाइट से लेकर के बॉटम की चीजों को ऑब्जर्व करना, एक टॉप लेवल की चीजों को ऑब्जर्व करना, उनको एनालाइज करना, इस सब कुछ त्रिकोणमिति पर आधारित हो गया है। इस त्रिकोणमिति की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो आपको जब कक्षा 9 में जाते हैं तो वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ बेसिक्स आपको वहीं भी पता हो जाता है, लेकिन हम लोग इस बेसिक्स को ही बेस मानते हैं और यहीं से शुरुआत करके हम आपके सामने इस त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मूल तौर पर जब ट्रिग्नोमेट्री की बात की गई, जिसको आपने त्रिकोणमिति बोला, तो हमने देखा कि इसका जो उपयोग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली ट्राइंगल पर ही डिपेंडेंट है। किस पर बेस्ड है? ट्राइंगल पर। और क्योंकि हम इसके अंतर्गत हम लोग भुजाओं को हम लोग मेजर करते हैं, भुजाओं के आधार पर ही चीजों को बेस्ड करते हैं, हम किसी टॉप की चीज को हम बॉटम पे रह करके ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी फील करते हैं। अर्थात अगर देखा गया तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मेट है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसी का एक स्वरूप हमारे सामने बनकर आया है, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक भुजा आपकी समकोण होती है। एक भुजा समकोण मतलब दो भुजाओं के बीच उनके 90 डिग्री का कोण होता है, तो वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का लिखा एक त्रिभुज है जिसमें आप देख रहे हैं कोण जो बी है, मतलब भुजा बी ए बी और बी सी के बीच का जो संबंध है वो 90 डिग्री से बना हुआ है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो 90 डिग्री की सामने की भुजा होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस आप जानते हैं, जिसको आप हिंदी में कर्ण कहते हैं। दो भुजाएं हमारे पास और होती हैं जिनमें एक को बेस हम जनरली कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 90 के अलावा भी दो कोण होंगे। अगर आप इसको थीटा कह दे रहे हैं, इसको आप बीटा कह दे रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि थीटा प्लस जो बीटा होगा वो आपका 90 डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि अकेला ये आपका 90 है, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि थीटा और बीटा को जोड़ देने से आपको 90 मिलेगा। अब हम जिस कोण को यहां पर कंसंट्रेट करेंगे उसके विपरीत भुजा तुरंत परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसको आप हिंदी में लंब कहते हैं। अगर आप इस कोण को कंसंट्रेट कर रहे हैं तो यह परपेंडिकुलर लंब होगी, तो तुरंत ही यह बेस होगा, जिसको आप आधार कहेंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा, मैं इस चीज को अभी डिटेल कर दूंगा, ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम इस कोण को फोकस करेंगे, इस कोण को लेके चलेंगे, तो दिस पार्ट दिस साइड विल कॉल द परपेंडिकुलर और यह लंब कहलाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यह पार्ट आपका तुरंत का तुरंत बेस हो जाएगा, मतलब आधार कहलाएगा। ये ध्यान से समझने की बात है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं आपको डिटेल कर देता हूं टेबल के माध्यम से, लेकिन उसके पहले समझ लीजिएगा इन तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध किसने बताया था? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अप्रोच को आपके सामने प्रेजेंट किया कि द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री, द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, दैट मीन्स हाइपोटेनस इज होल स्क्वायर, दैट मीन द स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, द अदर टू साइड्स आर वन ऑफ द बेस एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर, तो बेस का वर्ग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब अगर आप किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो जो हम लोग देखेंगे कि जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड, जिसको आप लोग कर्ण या हाइपोटेनस कह रहे हैं, उसका जो वर्ग होगा, उसका जो स्क्वायर होगा, बची दोनों साइड्स के स्क्वायर या वर्ग के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। मतलब अगर इस इनकी हम साइड्स को ऐसे जनरली कहें तो वी कैन राइट हियर कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप लोग यहां पर लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट में, जनरल फीचर में। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। इनके आधार पर हमें कुछ अननोन साइड्स अगर होती हैं, कुछ पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, हम उनका मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात थी उसको समझिए आप लोग। जैसे आपने देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसको हम एबीसी जनरली हम लोग यहां पर नेम इसकी नेमिंग कर रहे थे। अब आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि यहां पर आपने देखा कि यह 90 डिग्री था। इस समय इस कोण को अगर हम लोग मान लीजिए थीटा लेके चल रहे हैं और इसको तुरंत आप ऐसे जनरली सोचिए, तो आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तुरंत 90 डिग्री माइनस थीटा भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि 180 से अगर हम 90 प्लस थीटा को माइनस करेंगे तो वी गेट द 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपने नोटिस किया कि हमारे पास तीन साइड्स हैं। तीन साइड्स हमारे पास कौन कौन है आप ध्यान से देखिए। एक तो आपका हाइपोटेनस ही है, दूसरा आपका परपेंडिकुलर है, तीसरा आपका बेस है।
अब इनको अगर हम लोग ट्रायंगल में रोल इनका हम डिक्लेयर करें कि कौन क्या है और कब है, तो आप दो एंगल के बिहाफ पर इनकी कैटेगरी को निर्धारित करते हैं। एक कोण तो आप देख रहे हैं कि थीटा है, दूसरा आपने देखा कि 90 डिग्री माइनस थीटा है। इन्हीं के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब क्लियर होगा। हाइपोटेन्यूज इन बोथ केसेस, दोनों के लिए, चाहे इसकी बात किया जाए, चाहे इसकी बात करें, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा सेम होगा। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज विल एसी इन बोथ केसेस, एसी होगा दोनों केसेस में। लेकिन बात अगर मैं करूं परपेंडिकुलर और बेस की, तो ध्यान से देखिए, अगर थीटा की बात करेंगे तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर एबी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस आपका बीसी हो जाएगा इसके लिए। जबकि अगर उसी तरह से हम लोग यहां पर बात करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका बीसी हो जाएगा, और इसका अगर परपेंडिकुलर बीसी होगा तो बेस आपका एबी हो जाएगा। जस्ट देखिए रिवर्स क्रॉस हो जाता है। इस तरह से हम यहां पर फिक्स कर सकते हैं कि कौन हमारा परपेंडिकुलर है, कौन हमारा बेस है। हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम है। ये टोटल बातें किस पर निर्भर करती हैं, ये टोटल बातें कोण पर निर्भर करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है और किस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है त्रिकोणमिति के भुजाओं को रीड करने के लिए। इस फंक्शन को समझने के लिए हमें कुछ रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की तरफ हमें वर्क करना पड़ता है, उनको समझने की जरूरत होती है। रेशियोज जनरली क्या होते हैं कि दो सिमिलर नेचर्ड वैल्यूज, या हम कह सकते हैं दो साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इस फंक्शन को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीड टू डिस्कस अबाउट द रेशियोज, टी रेशियोज, इट इज कॉल्ड द टी रेशियो, यू नो कि आप इसको टी रेशियो जनरली कह सकते हैं। आप देखिए टी रेशियोज क्या है। हमने इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसंट्रेट किया, इसको बनाया हमने। यहां पर यह थीटा था, 90 डिग्री था, यहां पर यह थीटा था, सपोज करिए। अब हमारे पास कुछ जनरल सिंबल्स हैं जो कि जनरली हम लोग यहाँ पर उनकी नेमिंग कर देते हैं। एक तो साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टैन है, चौथा कॉट है, फिर सेक है, एंड देन आफ्टर कोसेक है। इस तरह से हम देखें तो छह हमारे पास, जिसमें शुरुआत के तीन जो होते हैं आपके प्राइमरी फंडामेंटल होते हैं, बाकी आपके जो सिंबल्स होते हैं वो उन्हीं से बेस्ड होते हैं। अब आप सबसे पहली चीज ध्यान से देखिए, अभी तक जब हमने केवल सिंबल को लिख दिया है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व तब होगा जब ये किसी कोण को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, जो त्रिकोणमिति या त्रिकोण त्रिभुज पर बेस्ड होगा उसके कोण को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, तभी इनका अस्तित्व, इनका वजूद आपको क्लियर होगा। जैसे इन लोगों ने अपने साथ थीटा इन्वॉल्व किया, तुरंत इनके बीच, इनके साइड्स या जो इनसे रिलेटेड साइड्स हैं उनका संबंध आपको क्लियर होना समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा इज जनरली कॉल्ड, अब आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये तो हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में होगा ही, यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह आपका बेस हो जाएगा। ये आपका रोल हो जाता है, साइन थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा तुरंत हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरह से कोसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके संबंध होते हैं अलग अलग भुजाओं के अंतर्गत, जब हम अलग अलग टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। अब इन रेशियोज को अगर थोड़ा सा डिटेल से और समझे हम लोग, तो हमें कुछ और बातें समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, इसको सबसे पहले इस फार्मूले को लर्न करने का प्रोसेस समझिएगा। इस फार्मूले को लर्न करने के लिए मैं आपको एक आइडिया ऐसे जनरल दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा यहां पर पी पी बी, पी बी पी, सॉरी पी बी पी, एच एच बी। ध्यान से देखिएगा, अब इसको ऐसे समझिए, आप लोग अगर जो है आप लोग अगर इसको इसके साथ रिलेट करते हैं पी अपान एच, तो पी अपान एच हो जाएगा साइन, बी अपान एच आप करते हैं तो कॉस, पी अपान बी करते हैं तो टैन। अब उल्टा कर दीजिए, एच एच अपान अगर हम पी करते हैं, एच अपान पी करते हैं तो तुरंत हमें मिलेगा कॉसेक, अगर एच अपान हम बी करते हैं तो हमें मिलेगा सेक, और फाइनली हम लोग बी अपान पी करते हैं तो हमें मिलेगा कॉट। ये जो चीजें हमको यहां से भी दिख रही हैं, क्या दिख रही है, देखिए
साइन जो है अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक हमने देखा कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, मतलब यह इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह से जो कॉस था आपने देखा सेक का रेसिप्रोकल था, टैन जो था वो कॉट का रेसिप्रोकल था। तो मतलब हम इन रिलेशंस को कुछ ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे मैं लिख सकता हूं कि जो साइन थीटा है वह इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा भी है। आप लिख सकते हैं जो कि क्या इंप्लॉइज करेगा, जो क्या प्रेजेंट करेगा कि जहां कहीं जरूरत हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की तो आप लिख सकते हैं वन। इसी तरह से हम देख पा रहे हैं जो कॉस थीटा है वह इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा है, वन अपॉन सेक थीटा है। आप इसको लिख सकते हैं इसी बिहाफ पर कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू आप इसको वन कह सकते हैं। फाइनली हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, तो आप इसको अंतिम में लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आप वन कर सकते हैं। इस बिहाफ पे हम इसको समझ सकते हैं, मतलब हम जानते हैं कि एक रेशियो एक अनदर रेशियो के साथ रेसिप्रोकल वे में व्युत्क्रम वे में अटैच्ड होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपको वन मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पर एक बात मैं और देख पा रहा हूं, जो साइन थीटा है आपने नोटिस किया होगा कि जो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जबकि हमने कॉस थीटा की बात की तो कॉस थीटा आपने देखा था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। अगर हम लोग यहां पर इसको हम एक कर ले और इसको हम नंबर दो कर दें और हम कर दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब हम दोनों को डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे तो आपको जैसे इस चीज को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज से कटेगा, यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, मतलब जो होता है टेन थीटा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन थीटा, अर्थात अगर हम इसको भी उल्टा कर दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये दो संबंध और आपको समझ में आए होंगे इसके बिहाफ पर। कुछ स्क्वायर रिलेशंस होते हैं जो बड़े ही ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट होते हैं, तब हम उसके बाद एंगल्स पर आएंगे जो मेन है आपका पार्ट, पहले उसको समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देखिएगा कुछ स्क्वायर रिलेशंस हैं, इसको बस लर्न करना है, समझने की जरूरत है हम लोग को। अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो हम अपनी परीक्षा से रिलेट करते हुए जितने भी फैक्ट्स उसको हम क्लियर कर लेंगे। स्क्वायर रिलेशन में सबसे बढ़िया और सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो इज इक्वल टू होता है वन। इनके बिहाफ पर भी हम दो तीन रिलेशन अपने आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे मैं लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इस पर भी चल करके हम और भी संबंधों को दिखा सकते हैं कि सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा की बात हुई, या हम लिख सकते हैं यहां पर अगर हमें जरूरत ही पड़ गई कि टेन थीटा क्या होगा तो आप कह सकते हैं सर इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, या हम चाहें तो यहीं पर यह भी लिख सकते हैं कि यह सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का संबंध यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन भी लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आप सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं। ये संबंध हम अपने हिसाब से कुछ अल्जेब्रिक बेस्ड यहां पर लेकर चल सकते हैं, अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। आगे मैं एक और आपको दिखाता हूं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि थर्ड है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी चल करके हम कुछ संबंधों को डिटेल करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला हम यहां पर लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात हम जरूरत के हिसाब से अगर कभी ऐसी हमें जरूरत पड़ी कोसेक थीटा माइनस वन और कोसेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू आप सीधा सीधा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और आप जानते हैं कि यही से हम चाहते तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकते थे। दूसरी बात देखिएगा, आप लिख सकते थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप वन लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी लिख सकते हैं तो यहां से भी आप लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस वन माइनस सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इज इक्वल टू आप यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। यह कुछ जनरल बातें होती हैं जो कि हमारे हमें एक तरह से हमें अप्रोच देती है, हम लोग इनका यूज कर सकते हैं त्रिकोणमिति की जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स मिलेगी तो उनके जो टर्म्स होते हैं उनके संबंधों को समझने में। एक बात मैं आप लोगों को कहूंगा, कुछ बातें मैं उसमें डिटेल कर देता हूं, कुछ बातें मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप अपने एफर्ट से उनको जरूर करने की कोशिश करिएगा। लेकिन उसके पहले एक बात, चलिए पहले उसी को कवर करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एक चीज देखा कि जितने भी टर्म्स हैं त्रिकोणमिति में, जो भी आपको छह रिलेशंस दिए गए, छह रेशियोज दिए गए, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ संबंधित है। अगर हमें एक की इन्फॉर्मेशन है तो हम अगले को भी उसी की हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हैं, चाहे जिसकी भी जरूरत हमें हो हम आराम से कर सकते हैं। मतलब हर एक रेशियो हर एक से संबंधित होता है किसी ना किसी तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहां पर लिखा मैंने कॉस थीटा, यहां पर मैंने लिखा टैन थीटा, मैंने लिखा कॉट थीटा, मैंने लिखा सेक थीटा, मैंने लिखा कॉसेक थीटा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, ऊपर भी मैं सेम टू सेम यही लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा साइन थीटा, मैंने लिखा कॉस थीटा, मैंने लिखा टैन थीटा, मैंने लिखा कॉट थीटा, फिर मैंने लिख रहा हूं सेक थीटा, और फाइनली मैंने लिखा कॉसेक थीटा। अब आप देखिए मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा इफर्ट आप लोग को करना है कि मान लीजिए मुझे केवल एक ही रेशियो पता चला, उसी रेशियो की हेल्प से मैं बाकी जितने बचे रहे उनको भी निकाल दूं। जैसे मान लीजिए मुझे साइन पता चल जाए तो साइन की हेल्प से जितने पांच बचे उनको हम कैसे निकाल पाएंगे, सुनिएगा। जो संबंध पढ़े उन्हीं का यूज करना है, मैं एक कर रहा हूं, बाकी आप लोग को अपने मन से करने की जरूरत है। कुछ बातें दिमाग में रखिए क्या कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं जैसे एक आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपके सामने, इसके बाद बाकी आप लोग खुद से भी प्लान कर सकते हैं। मैंने कहा जब साइन थीटा मुझे पता है तो साइन को साइन की ही टर्म में लिखने की हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो साइन ही समझते हैं। हम साइन की हेल्प से कॉस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। साइन मुझे पता है कि हमें साइन थीटा दे दिया गया, कॉस थीटा आपको लिखना है। अभी अभी मैंने बताया आप लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम जो साइन स्क्वायर साइन थीटा का मान दिया गया है उसको हम वन माइनस कर दे उसके स्क्वायर को और रूट उसका फाइंड कर दे, स्क्वायर रूट कर दे, तो हमें पता चल जाएगा। टैन थीटा आपको बताया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस, कॉस की जगह पर क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कॉट थीटा, तो कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, उल्टा हो गया। सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा कर दे तो वन अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक जस्ट वन अपान क्या होता है साइन थीटा होता है। आप सोचिए आपके पास केवल साइन थीटा था, आपने केवल साइन थीटा की हेल्प से यहां पर बाकी जितने पांच अननोन थे उनको भी फाइंड कर लिया। सेम उसी तरह से आप कॉस का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे केवल कॉस पता है, मैं बाकी सब निकालना चाहूं, तो मैं साइन निकालना चाहूं तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस एज इट इज होता ही है, टेन आप कर ही सकते हैं, कॉट कर ही सकते हैं, सेक कर ही सकते हैं, कॉसेक निकाल सकते हैं। तो आई होप आप अगर एक चीज फाइन आपको पता है तो बाकी आप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए रहेगा घर पे, आप सभी लोग इसके लिए क्या करिएगा कि एक वैल्यू पता हो तो उनकी हेल्प से, जैसे एक वैल्यू पता होने का मतलब ये हो गया कि अब की बार मुझे टेन पता है, मैं साइन को भी टेन के टर्म में लिखना चाहता हूं, मैं कॉस को भी टेन के टर्म में लिखना चाहता हूं, टेन तो टेन के टर्म में है ही है, कॉट लिखना आसानी है, सेक को लिखना चाहता हूं। ये जो हमने रिलेशंस आपको अभी तक बताए हैं, चाहे वो आपका रेसिप्रोकल रिलेशन हो, चाहे आपका स्क्वायर रिलेशन हो, आप उनकी हेल्प से इन चीजों को प्लान कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है कोण का, वो आपका एक्चुअली जो होता है इनके संबंधों के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पे ही डिपेंडेंट होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कोई एक त्रिभुज इस तरह से समकोण त्रिभुज कंसीडर करूं, आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर अगर मान लीजिए मैंने कहा थीटा है 90 डिग्री है, मैं लिख रहा हूं एबीसी एक त्रिभुज हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, मैंने कहा भैया साइन थीटा, तो साइन थीटा आप समझ रहे हैं कि परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब एबी होगा और हाइपोटेनस आपका एसी होगा, चलिए ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको अभी पता है कि थीटा है यह 90 डिग्री माइनस थीटा है, और आप जानते हैं कि दो कोण जब मिल करके 90 डिग्री होते हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अब मान लीजिए किसी ने हमसे कहा भैया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूं। अब सोचिए कोण आपका ओ है, अगर कोण ओ है तो उसके बिहाफ पे परपेंडिकुलर ए होगा और बेस इसका ए होगा, हाइपोटेनस तो एज इट इज रहेगा। कॉस का रूल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए कौन होगा एबी होगा, बेस इसके लिए क्या होगा एबी और हाइपोटेनस तो एज इट इज है। आपने देखा दोनों चीजें सेम आ रही है,
इसका मतलब हम एक संबंध यहां से निर्धारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा होगा। एकदम सेम अपोजिट हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको cos थीटा नजर आएगा। जैसे जो sin 30 पर आएगा वही cos 60 पर मिलेगा, जो cos 45 पर आएगा वही sin 45 पर आएगा, जो मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पर डिपेंड करेगा। सेम टू सेम आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इसी बिहाफ पर माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम tan थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग यहां पर आगे भी चलेंगे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान से, मैं लिख सकता हूं कि यहां पर sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आप sec थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये संबंध जो कॉम्प्लीमेंट्री बिहाफ पर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अब इन संबंधों को हम कोण पर लेकर चलते हैं तो आपको ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे, ज्यादा हम प्रॉपर चीजों को आपको समझा पाएंगे। तो एंगल कॉन्सेप्ट मतलब हम एंगल रिलेशंस की बात अब हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। एंगल रिलेशंस, क्योंकि जो पूरी त्रिकोणमिति है अगर देखा जाए तो भुजाओं और कोणों के संबंधों को ही निर्देशित करने के लिए बनाई गई है। और आपने पढ़ा था और मैंने पिछले टर्म्स में भी आपके सामने एक्सप्लेन किया, जो कोण होते हैं उनको हम जनरली डिग्री में मेजर करते हैं, और कोणों का मतलब एक मोमेंट अर्थात रोटेशन पर बेस्ड होता है। सर्कल के बिहाफ पर चीजें बनती है, दो लाइंस जब एक दूसरे के साथ जीरो डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, कोई उनके बीच कोण नहीं बनता, जीरो डिग्री बना होता है, देखिए ये इस तरह से कह दे जीरो डिग्री है। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर ये परफॉर्म करे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट परफॉर्म करे तो हम पॉजिटिव कोण पाते हैं, पॉजिटिव एंगल्स पाते हैं। क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट परफॉर्म करे तो नेगेटिव एंगल यहां पर प्रोवाइड करती है। अब यहां पर क्योंकि ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, ये सब एंगल पर ही तो बेस्ड है, तो हम इन एंगल्स को हम कैसे कंसिडर कर पाएंगे, इनकी वैल्यू समय हमारे पास कितनी मिल पाएगी, इन्हीं संबंधों को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को, स्पष्ट करिएगा। पहली चीज, आपको पता है कि हमें साइन थीटा, हमें कॉस थीटा, हमें टेन थीटा, हमें कॉट थीटा, हमें सेक थीटा और हमें कॉसेक थीटा, इनके बारे में वर्क करना है। और मैंने उस दिन बताया था जो थीटा होगा वो किसी ना किसी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो रियल नंबर आपको पता है कि माइनस इनफिनाइट से लेकर के प्लस इनफिनाइट तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब जो कोण का जो अमाउंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक कोई भी मान हो सकता है। बट उस कोण को जब हम रेशियो के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो जो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आएगी वो हमारी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे होगी समझिएगा। सबसे पहली चीज, हम लोग यहां पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रॉपरली, क्योंकि कोण जो होगा आपका जीरो डिग्री से शुरू हो सकता है, 90 डिग्री पर भी पहुंचेगा, 180 डिग्री पर भी पहुंचेगा, 270 पर भी पहुंचेगा, और फाइनली 360 भी हो जाएगा, मतलब एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रोटेशन भी स्टार्ट होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, इस तरह से रोटेशंस बनते चले जाएंगे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वैल्यूज होती हैं एंगुलर वैल्यूज, वह इन तीन के लिए ही बेसिक तौर पर निर्धारित की जाती है, साइन, कॉस और टेन, और इन्हीं के बिहाफ पर बाकी का भी प्रेजेंटेशन हम लोग आराम से कर लेते हैं। कैसे कर पाते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि कोण का अमाउंट भले ही बहुत ज्यादा हो, जीरो से लेके माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक का हो, क्योंकि मूवमेंट अगर हम इधर साइड में कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे, और हम अगर इधर भी जाएंगे तो भी तो हम फोकस करेंगे, तब भी तो हम बात करेंगे नेगेटिव एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी कोण की वैल्यू ले सकते हैं। बट आपको इतना समझना होगा कि जो रेंज ऑफ एंगुलर अमाउंट होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का होता है, वो एक सर्टेन वैल्यूज के अंदर ही होता है। इसके लिए आपको थोड़ा समझना है कि जो साइन थीटा है उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मान आएगा कोण का, अगर देखा जाए तो वह आपके पास एक सीधे सीधे एक छोटे से रेंज के अंतर्गत आएगा। अगर उसकी वैल्यूज देखिए तो आप जीरो से लेकर वन तक ही होगी, मतलब बेसिकली अगर सोचा जाए तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू वन होती है और सबसे छोटी वैल्यू जीरो होती है। बट हम कोण के इनके बिहेवियर अर्थात इनके क्वाड्रेंट में पोजिशन के हिसाब से कभी ना कभी इस कोण का मेजरमेंट हम माइनस वन भी अमाउंट या वैल्यूज जो बनकर आती है वो माइनस वन भी बनकर आती है। लेकिन आपने देखा कि अगर मूवमेंट की बात किया जाए तो इसका मूवमेंट इंक्रीजिंग था, मतलब एक कोण बढ़ता गया, वैल्यू बढ़ती गई, जैसे थीटा
जीरो से के 30 पे पहुंचा, 60 पे पहुंचा, 45 पे पहुंचा, 90 पे पहुंचा, 135 पे पहुंचा, तो कोण का वैल्यू जैसे अमाउंट बढ़ा उसकी एंगुलर वैल्यू भी बढ़ी, उसकी एंगुलर वैल्यू भी बढ़ी। लेकिन इसका अर्थ है कि इंक्रीजिंग मोड में काम कर रहा है, जबकि जो कॉस होता है वो आपका अगर देखा जाए तो वह 1 to 0 की तरफ मूवमेंट करता है, 1 to 0 की तरफ मूवमेंट करता है, मतलब इसका जो मोड होता है वह डिक्रीजिंग होता है, मतलब यह घटता चला जाता है या डिक्रीज करता चला जाएगा, मतलब जैसे जैसे कोण अमाउंट बढ़ेगा उस तरह से इसकी वैल्यू कमजोर होती चली जाएगी, लेस होती चली जाएगी। टैन जो होता है वह आपका किस पर निर्भर करता है, वह आपका 0 to infinite, मतलब एक तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि यह जो है यह भी इंक्रीजिंग को ही फॉलो कर रही है, जैसे जिस प्रकार से साइन का नेचर है उसी प्रकार से टैन का नेचर है, कॉस का नेचर अपोजिट है, कॉस का नेचर डिक्रीजिंग मोड में होता है, कोण एंगुलर वैल्यूज एंगल्स बढ़ने पर उसकी एंगुलर वैल्यूज घटती चली जाती है, ये प्रोसेस होता है। अब इन्हीं कोणों को हम लोग यहां पर क्वाड्रेंट में थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहली जानकारी मैं आपको बता दूं यहां पर, अगर मान लीजिए कोई भी एंगल, अगर कोई भी एंगल आपका मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज शुरू हुई और 0 to 90 degrees अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, मतलब यहां पर ध्यान में रखिएगा सब आल पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव होंगे। अगर वह वैल्यू हमारी 90 to 180 अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जानकारी दी, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचेंगे तो थर्ड में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टैन और कॉट ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और लास्ट जब हम लोग पहुंच रहे हैं तो यह होगा फोर्थ, और फोर्थ में केवल जो कॉस होगा और जो सेक होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब कुछ बातें और समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोण भले बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, मतलब जो मान हमें किसी रेशियो का पहले क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि सारे मान पहले पे ही बेस्ड होते हैं, वही मान हमको सेकेंड में भी मिलेगा, वही मान हमको थर्ड में भी मिलेगा, वही मान हमको फोर्थ में भी मिलेगा। जो मैंने अभी वहां पे नेचर बताया उसमें मैंने आपको उनके मूवमेंट की सिचुएशन बताई, मैं यहां पर ये भी आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जो कोण का अमाउंट होगा, जो वैल्यू होगी किसी भी रेशियो के साथ लगकर जो आती है, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निर्भर करती है। जो मान आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा वही सेकंड में, वही थर्ड में, वही फोर्थ में मिलेगा, वही किसी भी रोटेशन में मिलेगा, चाहे जितनी बारी चीजें घूमती रहे। लेकिन एक ही चीज होती है कि जब जब ये अलग अलग क्वाड्रेंट में जाते हैं तो अपने नेचर बदलते जाते हैं इस परिस्थिति के हिसाब से। पहले में तो कोई कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में आप सोचिए कि साइन कोसेक के अलावा कुछ भी आएगा, कॉस आएगा, सेक आएगा, टेन आएगा, कोट आएगा, तो सबका सब नेगेटिव हो जाएगा उसकी वैल्यू। इसके लिए बस इतना पहले समझिए कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई थीटा पर हमको मिला, थीटा मतलब 30 पर, 45 पे, 60 पर, किसी भी वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान निकाला गया। जैसे जनरली आपको पता है साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अगर 1/2 को हम साइन की हेल्प से सेकेंड क्वाड्रेंट में ढूंढें, मतलब वही 1/2 हमें किस एंगल पर साइन के साथ मिलेगा, तो इसके लिए समझिए 180 - थीटा पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, 180 - थीटा पर मिलेगा, मतलब 180 में से 30 निकाल दें, 150 पर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि साइन जो होता है सेकेंड में भी पॉजिटिव ही होता है, बात समझ रहे हैं मेरी, जो हमें साइन का मान थीटा पर मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 - थीटा पर मिलेगा। और हम वही चीज लेके जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, हमको हम आपसे पूछेंगे भैया बताओ कि अब साइन का मान 1/2 हमें थर्ड में कहां पर मिलेगा, तो आपको कहोगे सर मिलेगा तो नेगेटिव बनेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड में सभी नेगेटिव हो जाते हैं टेन और कॉट के अलावा। हाँ कहां पर मिलेगा ये मैं बता देता हूं, ये मिलेगा 180 - थीटा पर मिलेगा। इसका मतलब 180 में से हम 30 जोड़ देंगे तो 210 डिग्री पे मिलेगा, 210 पे मिलेगा, 1/2 फिर मिलेगा, नेगेटिव नेचर में मिलेगा, 210 डिग्री पर मिलेगा। हमने कहा अच्छा फोर्थ में बताइए, हम कह रहे हैं यहां भी नेगेटिव में मिलेगा लेकिन 360 - थीटा पर मिलेगा, मतलब 330 डिग्री पर मिलेगा। इस तरह से जो भी मान हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी मिलता है, और यह डिपेंडेंसी इस पर होती है। जैसे यहां पर कोई थीटा पर आया, यह 180 - थीटा पे आएगा, या 180+ थीटा पे आएगा, या 360 - थीटा पर आएगा। इसको समझिए,
अब हमको एक चीज और ध्यान से देखा, जो मैंने भी अभी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था उसके बिहाफ पर मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट करूंगा। इसके लिए क्वाड्रेंट को मैं फिर से बनाने जा रहा हूं और खूब ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा तो आपको कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, आपने देखा कि कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहां पर जो नेचर हमने बताया, अलग अलग क्वाड्रेंट में रहने के दौरान उनकी परिस्थितियां बताया, इस सब कुछ डिक्लेयर करते हुए पहली जानकारी मैं आपको दूं, अगर कोण नेगेटिव मेजर किया गया, नेगेटिव ऋणात्मक, तो जब नेगेटिव मेजर किया गया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो साइन कभी अगर माइनस थीटा आपसे पूछा जाए, कॉस माइनस थीटा अगर आपसे पूछा जाए, टेन माइनस थीटा आपसे पूछा जाए, कॉट माइनस थीटा पूछा जाए, सेक माइनस थीटा पूछा जाए, और ध्यान से सुनिएगा ये सब बातें, अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर एक कभी आपको कंफ्यूजन नहीं देगी, इस चीज को आप ध्यान से अगर समझेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। कोसेक माइनस थीटा आपसे पूछा गया, समझने की कोशिश करना सभी लोग। हाँ, तो साइन 90 साइन माइनस थीटा जो होगा वो सीधा सीधा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कभी भी माइनस 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मान पूछा गया तो उसकी वैल्यू निकालिए, बाहर माइनस लगा दीजिए। केवल कॉस और सेक पर, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों डिक्रीजिंग मोड में होते हैं, इनका जो नेचर होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये माइनस पर भी पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे अर्थात एक कॉस थीटा देंगे, सेक आपका सेक थीटा प्रोवाइड करेगा, बाकी सेम नेचर पे ही सब काम करेंगे, माइनस टेन थीटा होगा, ए माइनस कॉट थीटा होगा, ए माइनस कोसेक थीटा होगा। आपने चेंज देखा कि एक ही जगह पर दो जगह पर चेंज आए कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो गया। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा की। मुझे जरूरत पड़ी साइन, मुझे जो जो जरूरत पड़ रही है मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तो आपको यह बात एकदम से क्लियर हो जाएंगी कहां पे क्या स्थिति हमारी बनकर आ रही है। मैं लिखूंगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, खूब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आप लोग का। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझिए इस बात को। अब इनकी वैल्यू सभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि साइन 90 माइनस क्या हो रहा था, कॉस थीटा हो रहा था, टेन कॉस मतलब क्या हो रहा था, साइन हो रहा था, टेन मतलब क्या हो रहा था, कॉट हो रहा था, कॉट मतलब क्या हो रहा था, टेन हो रहा था, सेक क्या हो रहा था, कोसेक हो रहा था, और कोसेक क्या हो रहा था, सेक हो रहा था। इस तरह से हमने इसको स्पष्ट किया था। अब अगली चीज देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज है, 90 माइनस है तो सीधा सीधा 90 से छोटे हैं, और अगर पॉजिटिव है तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होंगे अर्थात पहले क्वाड्रेंट में होंगे। कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो कि 90 प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करेंगी। 90 प्लस थीटा मतलब सीधा सीधा हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था हम इसको छोड़ करके अब सेकेंड में चले आ रहे हैं। सेकेंड में देखिए आपको क्या मिलेगा, हमारे सामने आएगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए आपको कुछ चेंज नहीं करना है, दो चेंज हमें समझना है। पहली चीज, जो 90 प्लस में, जो 90 माइनस में होगा वही सेम टू सेम 90 प्लस में होगा, मतलब वैल्यू एज इट इज रहेगी। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। चलिए लेकिन आपको मैं बता दूं, क्योंकि हम कहां पे आ चुके हैं, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, 90 प्लस करेंगे तो आप सेकेंड में जाएंगे। सेकेंड में आपको पता है कि केवल जो साइन है और कोसेक है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, वैल्यू जो 90 माइनस पे था वही सेम टू सेम 90 प्लस पे था, वही सेम टू सेम 90 प्लस पे था, केवल नेचर बदला, वो भी दो जगहों पर, कहां पर, सॉरी वो भी दो जगहों पर सेम था, क्योंकि आपको पता है सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद एक और बनेगा, यही सेकेंड में ही एक और बनेगा 180 माइनस मतलब 180 से कम है, तो मतलब सेकेंड में ही है। हमको जरूरत पड़ेगी साइन 180 माइनस थीटा, हमें जरूरत पड़ेगी कॉस 180 माइनस थीटा, हमें जरूरत पड़ेगी टेन 180 माइनस थीटा,
टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, हमें जरूरत पड़ेगी कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, हमें जरूरत पड़ेगी सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, हमें जरूरत पड़ेगी कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इनके मान समझने की कोशिश करिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस तरह के किसी भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन होता है, सेक सेक होता, कॉट कॉट होता है, सेक सेक होता है, और कोसेक जो होता है वो आपका कोसेक ही रहता है। फर्क कहां पे आएगा, आपको पता है कि हम कहां पे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, जहां पे साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इतना समझ में आया तो अब आपको फिर फीचर फेस करने को मिलेगा, जिसमें जरूरत पड़ेगी साइन 180 प्लस थीटा। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए कि 180 प्लस कहां जाएगा, 180 प्लस चला जाएगा थर्ड में, क्योंकि 180 के ऊपर जा रहे हैं। हमें मिलेगा कॉस 180 प्लस थीटा, हमें मिलेगा टेन 180 प्लस थीटा, हमें मिलेगा कॉट 180 प्लस थीटा, हमें मिलेगा सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, हमें मिलेगा कोसेक 180 प्लस थीटा। चलिए समझिए, इसको समझिए, ये देखिए, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको ऐसे इलोबरेट करना ज्यादा बेस्ट होता है। अभी हम आपको इसको चाहे तो एक ऐसी टेबल बना के रिप्रेजेंट कर दें आप, उसका कोई अर्थ नहीं, किताबें बहुत सारी हैं जहां पे चीजें लिखी गई हैं, पीडीएफ नोट्स बहुत सारे हैं जहां पे लिखी गई, बट इसको समझने की रिक्वायरमेंट होती है, समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। एक बार आप पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। जो ए 180 माइनस पे होगा, जैसे जो 90 माइनस पे था वही 90 प्लस पे था, मान में कोई परिवर्तन नहीं था, उसी तरह से जो 180 माइनस पे होगा वही 180 प्लस पे होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, और सेक सेक रहेगा, और कोसेक जो है वो आपका कोसेक रहेगा। फर्क कहां आएगा बताइए, क्योंकि किसमें आ गए, थर्ड में, जहां पे टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, जहां पे टेन और कॉट को छोड़ दिया जाए तो सब नेगेटिव हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 270 माइनस का आएगा, मैं सीधा लिखूंगा साइन 270 माइनस थीटा, मैं लिखूंगा कॉस 270 माइनस थीटा, मैं लिखूंगा टेन 270 माइनस थीटा, मैं लिखूंगा कॉट 270 माइनस थीटा, हम लिखेंगे सेक 270 माइनस थीटा, फिर हम लिखेंगे कोसेक 270 माइनस थीटा। अब सुनिएगा, जो 90 माइनस पे हुआ था, जो 90 प्लस पे हुआ था, सेम वही आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा। फर्क कहां पे आएगा, नेचर में आपको पता है, थर्ड में है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, तो बाकी सबको आप नेगेटिव बना सकते हैं, बाकी सबको हमने नेगेटिव कर दिया। आई होप ये समझ में आया आप सभी लोगों को। इसके बाद हम 270 प्लस पर भी आएंगे, और 270 कहां चला जाएगा, 270 प्लस चला जाएगा थर्ड फोर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अब 270 के ऊपर होने जा रहे हैं, हम लिखेंगे 270 प्लस थीटा, हम लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, हम लिखेंगे टेन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, हम लिखेंगे सेक 270 प्लस थीटा, और फिर से हम लिखेंगे कोसेक 270 प्लस थीटा। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, एज इट इज रहेगा, जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। बस फर्क कहां पर आएगा, आपको पता है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं, चौथे निर्देशांक में, चौथे में आए हैं, तो आपको पता है कि कॉस और सेक इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम करने जा रहे हैं 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे 90 माइनस 90 प्लस सेम था, 180 माइनस 180 प्लस थीटा सेम था, 270 माइनस 270 प्लस सेम था, उसी तरह से 360 माइनस 360 प्लस भी सेम होगा, और 360 मतलब वो 2 पाई होता है।
अब वह रोटेशन आपका चाहे जितनी बार होगा उस सब के लिए एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके लिए मैं ये जो नेगेटिव देखिए मैं अंतिम स्थिति है और इसको मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। आप समझ गए होंगे क्योंकि वहां पर स्पेस कम है। यहां पर मैं चीजों को स्पष्ट करने जा रहा हूं। आपके सामने स्थिति है कि साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। कॉस मैं लिखूंगा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मैं लिखूंगा टैन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मैं लिखूंगा कॉट 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, हम लिखेंगे सेक 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, हम लिखेंगे कोसेक 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। आप सुनिए बात को, आपको पता है कि अगर हम माइनस रहेंगे तो हम फोर्थ में रहेंगे और प्लस होंगे तो फर्स्ट में चले जाएंगे। और आपको यह भी पता है कि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस में कोई चेंज नहीं होगा प्लस में, क्योंकि प्लस मतलब फर्स्ट में चले गए। और आप ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने देखा क्या देखा बताइए, हमने देखा कि 270 में हमने चेंज किया था, 360 माइनस प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक थीटा रहेगा। एक सेकेंड, फिर से मैं लिख देता हूं इसको स्पष्ट हो जाए। हमने कहा साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। सुनिएगा, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि हम किसमें हैं, हम लोग दो स्थितियों को फेस करने जा रहे हैं। हम फोर्थ में भी हैं, हम लोग कहां पे जा रहे हैं, फर्स्ट में भी जा रहे हैं। रोटेशन को भी हम यहां पर यन के हिसाब से भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको पता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब पॉजिटिव होते हैं, जो जैसे थे उसी तरह से बने रहेंगे। अब आपको टेंशन केवल कहां पर है, फोर्थ में है, फोर्थ मतलब माइनस वाले पे है। माइनस में भी ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि केवल दो जगहों पर आपको पॉजिटिव मिलता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। दो जगहों का मतलब कहां पे, दो जगहों पर देखिए, इसमें तो ऊपर हम प्लस लगाएंगे, सब में प्लस लगाएंगे, सब में हमने प्लस लगाया सब में, लेकिन हम नीचे वाले की बात हम कर रहे हैं। नीचे वाले में हमको पता है कॉस पर दोनों में एज इट इज रहेगा यहां पर, और सेक पर भी, जैसे इसकी बात और इसकी बात अगर किया जाए तो यह नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव रहेगा। इसलिए यहां पर चाहे 360 प्लस माइनस हो, चाहे कॉस 360 प्लस माइनस हो, चाहे सेक 360 प्लस माइनस हो, कॉस का कॉस ही आएगा, सेक का सेक ही आएगा, मतलब प्लस माइनस दोनों के लिए वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी में आपको पता है कि जैसे साइन नीचे माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस, ये तो एज इट इज था, ये आपका एज इट इज था। इसके बाद आपने देखा कि यह भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा। तो आपने देखा कि कॉस और सेक में, कॉस और सेक में 360 प्लस और माइनस दोनों के लिए आपका पॉजिटिव रहेगा, जबकि बाकी जितने बचे हैं उनके ऊपर वाले, ऊपर मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा रहे हैं उनको, वहां पर सब पॉजिटिव हैं, और जितना हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे उतना हम नेगेटिव रहेंगे। ये आपका मोमेंट हुआ, ये आपका रोटेशन के हिसाब से एंगल को समझने का प्रोसेस हुआ। आई होप इतनी बातें आपने जो हमने अभी तक बताई वो आपने समझी होगी, सीखी होगी। इतना जो कुछ हमने आज आपको बताया है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण वाले जितने भी संबंध हैं इसको आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे और सीख पाएंगे। मेरी जो मैंने यहां पर जी चीजें बताई पूरी तरह से कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा, आप सब चीजें यहां पर स्पष्ट कर पाएंगे। हम फिर से इसी प्रकार के लेक्चर्स यहां पर आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे और कुछ भी आपके सामने में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आज मैं इतने पे ही लेक्चर समाप्त कर रहा हूं, किसी एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।